आजाद नगर थाना क्षेत्र के मूसा खेड़ी में रहने वाले पेंटर ने जिंदगी से तंग आकर मौत का रास्ता चुना। उसके पास से मिले नोट में उसने लिखा कि गर्लफ्रेंड ने 3 साल तक उसका इस्तेमाल किया और उसका भाई मेरी 13 साल की बेटी को भगा ले गया। बुधवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया और पत्नी का बयान दर्ज किया। सभी कड़ियों को जोड़कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक 36 वर्षीय विष्णु पिता हरिप्रसाद चौहान निवासी मूसा खेड़ी ने घर में जान दी थी। वह पेंटिंग का काम करता था। मंगलवार शाम पत्नी ने उसे घर में मृत देखा तो पड़ोसियों की मदद से उसे एम्बा अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके पास मिले नोट में उसने 25 लाख रुपए का कर्ज होने के साथ महिला मित्र और उसके परिवार पर परेशान करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है विष्णु की 13 साल की नाबालिग बेटी को 10 जुलाई 2021 को रोहित भार्गव अपने साथ ले गया था। वह विष्णु की प्रेमिका रीना का छोटा भाई है। रोहित ने काफी दिन तक उसे अपने साथ रखा। विष्णु को 4 दिन बाद पता चला कि उसकी बेटी रोहित के साथ उसके गांव हरदा बेड़ी हरदा में है। जब वह उसे लेने पहुंचा तो रोहित और उसके परिवार ने बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। रीना ने विष्णु को अपने प्यार का हवाला दिया और बेटी की शादी रोहित से करने की बात कही। इस पर विष्णु कुछ नहीं कर सका। विष्णु ने नोट में रीना मालवी, उसका पति सुरेश मालवी, भाई दिनेश, राधे और करण, उसके मम्मी पापा, धर्माबाई और आत्मा राम का नाम लिखा है। विष्णु को सुनी लंडा को ब्याज समेत 25 लाख रुपए देना है और उसने मकान बेचकर यह रुपए चुकाने का कहा है। पिताजी और पत्नी को परेशान नहीं करने का अनुरोध भी किया है। विष्णु पेंटर है, मेरे घर के ठीक पास में रहता है। इनका रीना नाम की लेडीज से अवैध संबंध चल रहा है, उसके कारण लेडीज का भाई इनकी छोरी को 13-14 साल की लड़की को भगा के ले गया था। तो कानून कार्रवाई करनी था कही कि उनने प्यार के झांसे में फंसा रखा था, तो उसी का दबाव आकर पूरा परिवार उनका रीना का 8-9 जने मिल के दबाव डाल दिया था। घर पे आके उसने फांसी लगा दी। उसके एक दिन पीले भी लगा लिया था तो उनकी घरवाली ने समझाई, मगर दूसरे दिन घर पर कोई नहीं था। हाँ, मृतक का नाम विष्णु है, साईं नगर का रहने वाला है। फांसी लगाई है इसने कल शाम 4:30 बजे। इस बात की जानकारी सर क्या कुछ सामने आया? सामने आया है कि उसका किसी महिला से संबंध था, परंतु परिवार वालों को उस महिला में कोई संदेह नहीं है। उसकी पत्नी के बयान लिए गए, बाकी संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है।